हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं आप सफल तब तक नहीं हो सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। आज की हमारी कहानी के नायक साइरस पूनावाला की जिंदगी इस बात को सही मायनों में रिप्रेजेंट करती है। साइरस पूनावाला पूनावाला ग्रुप के फाउंडर और करंट चेयरमैन है। पूनावाला ग्रुप के अंडर में कार्यरत द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आज भारत के पहले नंबर का और दुनिया के 5वें नंबर का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। मुख्य रूप से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए वैक्सीन का निर्माण करता है। साइरस पूनावाला आज की तारीख में देश के 5वें और दुनिया के 100वें धनवान व्यक्ति है। आज की तारीख में साइरस पूनावाला की नेटवर्थ 73,000 करोड़ है। दोस्तों, साइरस पूनावाला ने यह मुकाम अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल किया है। हॉर्स फार्म से शुरू कर उन्होंने ये मुकाम अपने अनगिनत प्रयासों से हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों, आज साइरस पूनावाला की कहानी को शुरू से जानते हैं। साइरस पूनावाला का जन्म पुणे में 1941 को हुआ था। उनके पिता के पास बहुत सारे घोड़े थे और उनका काम भी घोड़ों से ही जुड़ा हुआ था। वो हॉर्स रेसिंग से जुड़े हुए थे। साइरस की प्रारंभिक पढ़ाई बिस्पो स्कूल से हुई। आगे चलकर 1966 में वो ब्रिहान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट हुए। बाकी सबकी तरह ही पढ़ाई पूरी करने के बाद साइरस भी अपने पिता के बिजनेस से जुड़ गए। पर उनका मन कुछ बड़ा करने की राह में था और वो राह घोड़ों में ना थी, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जहां लोग दो वक्त की रोटी कमाने में पूरा दिन बिता देते हैं, वहां पे हॉर्स रेसिंग का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। और इसी वजह से उन्होंने मन बना लिया किसी और चीज़ में जंप लाने का। इसके बाद उन्होंने कार में फोकस किया। वो कार के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस समय $120 का एक कार प्रोटोटाइप बनाया। ये प्रोटोटाइप डी टाइप जगुआर के ऊपर बेस्ड था, पर बाद में उन्होंने ये आइडिया छोड़ दिया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि ये कार सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाएंगे, ना कि आम जनता, जो कि सही नहीं है। इसके बाद वो एक ऐसे बिजनेस के बारे में सोचते रहते थे जो कुछ ऐसा बनाता हो जो लाखों लोगों को मदद रूप हो सके। उस वक्त उनके पिता के फार्म से कुछ रुद्ध घोड़े हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई को दान दिए जा रहे थे। साइरस को ये अजीब लगा। साइरस ने उनके फार्म के डॉक्टर से इसके बारे में पूछा। तब उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ के वृद्ध घोड़े हाफकिन इंस्टीट्यूट को दान दिए जाते हैं, जहाँ पेन घोड़ों के सीरम से वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। और यहाँ से साइरस के दिमाग में आइडिया आया वैक्सीन वर्ल्ड में कदम रखने का। उन्होंने तय किया कि वो खुद घोड़े के सीरम से वैक्सीन बनाने का बिजनेस शुरू करेंगे, जिसे वो बहुत ही कम दाम में मुहैया करवाएंगे। जरूरी पैसों के लिए उन्होंने फार्म के सारे घोड़े बेच दिए, जिससे उनके पास करीबन $12,000 जमा हुए। ये $12,000 लेके उन्होंने सन 1966 में द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। करीबन 10 डॉक्टर और साइंटिस्ट की टीम को हाफकिन इंस्टीट्यूट से हायर किया। अगले सिर्फ 2 साल में उन्होंने एंटी टेटनस सीरम लॉन्च किया और इसके कुछ ही समय में एंटी टेटनस वैक्सीन बनाना भी शुरू किया। आगे अगर उनकी खोज और सफलता की बात करें तो सन 1974 में उन्होंने डीटीपी वैक्सीन बनाना भी शुरू किया, जो आमतौर पर बच्चों को डायफ्थीरिया, टेटनस और पेट्रसिस जैसे रोगों से बचाती है। सन 1989 में उन्होंने मेसलस वैक्सीन एमवैक बनाना शुरू किया और इसी साल द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता बन गया। दोस्तों, आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसे द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में प्रसिद्ध होने वाला था। साल 1994 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह ऑफिशियली घोषित किया कि अब से द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएन एजेंसीज जैसे कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, पान अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए वैक्सीन सप्लाई करेगा। इससे पूरी दुनिया की नज़र द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे गई। सन 1998 तक द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करीबन 100 देशों के लिए वैक्सीन बनाने लगा। साल 2000 तक विश्व के हर 2 बच्चों में से एक द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन से वैक्सीनेट किया जा चुका था। आज ये इंस्टीट्यूट भारत का पहले नंबर का और दुनिया का 5वां नंबर का वैक्सीन निर्माता इंस्टीट्यूट है। आज करीबन 140 से भी ज्यादा देशों में द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा वैक्सीन सप्लाई की जाती है। दोस्तों, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई कुछ खास वैक्सीन की कीमत मात्र ₹5 पर डोज होती है और आजकल ₹5 में कहीं चाय भी नहीं मिलती। साइरस पूनावाला का कहना है कि हमें भले ही कुछ फायदा ना हो, पर पैसों की कमी की वजह से कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, आज भी साइरस पूनावाला ने अपने घोड़ों को नहीं छोड़ा है। आज उनके पास देश का सबसे बड़ा स्टड फार्म है, यहाँ तक कि वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉर्स रेसिंग अथॉरिटीज में इंडिया की तरफ से एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे। इसके अलावा साइरस एशियन रेसिंग फेडरेशन के 10 साल तक मेंबर रहे। साल 2005 में साइरस पूनावाला को उस समय के भारत के राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया था। आज की तारीख में साइरस पूनावाला ग्रुप के अंतर्गत कई बिजनेस कार्यरत है, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूनावाला फाइनेंस, बिल्थुवन बायोलॉजिकल्स, पूनावाला एविएशन, विलू पूनावाला ग्रीनफील्ड फार्म्स, पूनावाला क्लीन एनर्जी, पूनावाला हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट। वरुण ग्लोबल रिसर्च 2019 के मुताबिक साइरस पूनावाला भारत के 4थे और दुनिया के 100वें सबसे धनवान व्यक्ति है।
तो फ्रेंड्स ये थी पुनावाला ग्रुप की पूरी जर्नी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।